यूनिवर्सिटी में चल रहा है और ताज़ा इसमें जो सेंटेंस जोड़े गए हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि इनको पर्सनली फ़ोन किया गया है कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा और थ्रेट दिया गया है। उसको लेकर अब NSUI या बाकी कॉलेज जैसे MEM कॉलेज हो गया, कॉमर्स कॉलेज हो गया, इन कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद यहाँ पर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एडमिन पूरा वो भी इसको देखते हुए यहाँ पर छात्र देखिए उग्र हैं और इस समय उग्र छात्र जो हैं कहीं ना कहीं अपना रोष दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने का कि अंदर जाकर वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं और छात्र ये 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 एक गुस्सा है क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अब जो कहीं ना कहीं बात जो है वो आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो सर? सर हर बच्चे को अकेले बच्चे को टारगेट लड़के उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, खुद बोलते हैं मुंह में सर एमएम कॉलेज साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल इसके मां बाप नहीं है, इसके मां बाप नहीं है, ये जो छत घर में चल रहा है इसके घर वाले नहीं है। सर हमें इनका इस्तीफा और ये जो डीन और कंट्रोलर बैठा हुआ है इनका इस्तीफा आज ही चाहिए, अपना रोड ब्लॉक को चाहिए। सर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग बेशक अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं लेकिन जब छात्र कम्युनिटी पे पर छात्र समुदाय के ऊपर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम सब एक कतार में खड़े होकर इनका सामना करेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोगों ने जब यहाँ पे मेमोरेंडम दिया था इनको वहाँ से हमारे नंबरों को उठा के वहाँ पे फोन किया जाता है और पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, आप लोग एग्जाम दोगे तो हम लोग देख लेंगे, ये कौन सी बात है? कल हम लोग टीचर्स डे मनाएंगे, क्या ऐसे टीचर मुझे शर्म आती है जो अपने छात्रों को धमकी देते हैं? ये डिजर्व करते हैं ऐसे टीचर, इनको हम लोग वहाँ पे रिस्पेक्ट दें। हम लोग कहते हैं हमारी ये तहजीब है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय है, ये क्या हम इनको अपने महेश और ब्रह्मा से इनकी कंपैरिजन करते हैं और ये हमारी बात को क्या ऐसे हमें धमकियाँ देंगे छात्रों को? कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप एक लर्न्ड जर्नलिस्ट है जम्मू के, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ क्या हमारा संविधान हमें अधिकार देता है बात करने का प्रोटेस्ट करने का कि नहीं देता? मेमोरेंडम देने का अधिकार हमारे पास है कि नहीं है? यदि है, यदि हम लोग गलत करते हैं पुलिस आपके हमेशा आप हमारे साथ रहती प्रोटेस्ट में, हमें क्यों नहीं पकड़ के लेती वो? अगर हम लोग किसी चीज़ का ब्रीच करते हैं, किसी SOP को वायलेट करते हैं या संविधानिक अधिकार का कोई खंडन करते हैं तो हमें हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सर ये तानाशाही रवैया है, कोविड की आड़ में ये छात्रों को दबाया जा रहा है और हमारे भाइयों के पास रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, आप इनसे भी बात करिए कि कैसे इनको फ़ोन किया और क्या बोला गया। शर्म की बात है ऐसे प्रशासन के ऊपर। हम जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो फ़ोन आया है उनमें से मेरे ये अंशु है यहाँ पर, अंशु मुझे बताइए कितने बजे फ़ोन आया था आपको ये कल? देखिए परसों हमने मेमोरेंडम दिया, आपने भी कवर किया, उस मेमोरेंडम में हमने लिखा कि हमारा सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ। तो कल क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट थे MEM कॉलेज के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, जहाँ के भी थे उनको फ़ोन आया, उनके प्रिंसिपल द्वारा आया, उनके प्रोफेसर द्वारा आया, आखिरकार वो बात करें चलो ठीक है, रोल नंबर सब्जेक्ट और नाम ब्रीफली पूछने का, एड्रेस पूछने का क्या मतलब मकसद है उस चीज़ का? आपने पूछा नहीं उसका रीज़न क्या सर, क्यों पूछ रहे हो? हमने पूछा, बोल रहे हैं आपने एप्लीकेशन क्यों दी है हमारे खिलाफ, हम क्यों, हम तो पूछेंगे हम आपने एप्लीकेशन क्यों दिया। इन्हीं के प्रिंसिपल ने कल कहा हमें, प्रिंसिपल सर की रिकॉर्डिंग इधर ही खड़े हैं कि 50% सिलेबस हुआ है। कल डील मैम ने एक इंटरव्यू दिया उसमें कहा 80% सिलेबस कवर हुआ है, मेरे को एक चीज़ बताई जाए 80% हुआ या 50% हुआ? खुद नहीं पता, खुद ही नहीं। अगर 50% हुआ तो मतलब 5 यूनिट में से 2.5 यूनिट पढ़ाए गए हैं,
पांच यूनिट में से 25 यूनिट अगर पढ़ाए गए हैं, हर यूनिट में से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब कि हमने अगर 50% है तो 40 में से हमें 32 नंबर चाहिए पास होने में। पहले 80 में से होते थे जब नॉर्मल पेपर होते थे। इस सिचुएशन में इन्होंने हमें रिलीफ देने की बजाय जो रिलीफ दी है ये ब्रीफली जो एक्सप्लेन करते हैं, जो घुमाते हैं, सेक्शन ए में से पहले भी सारे क्वेश्चन करने होते थे, अब भी करने होते हैं। पहले 8 में से 4 करने होते थे, अब 8 में से 3 करने होते हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं 50% सिलेबस है तो जो तीसरा चौथा और पांचवा यूनिट इसका मतलब नहीं पढ़ाया गया जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो उन चैप्टरों में से प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? और ये इनका कहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर नहीं ले रही, आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए, जम्मू यूनिवर्सिटी ने कल कहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उनका एक रीजन है, उन्होंने कहा कि जम्मू डिवीजन में जितने भी कॉलेज आते हैं सभी जम्मू यूनिवर्सिटी में आते हैं, सबके संभव नहीं है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के जो अपने डिपार्टमेंट हैं जो उनके अंदर हैं हजारों की संख्या में वो भी छात्र हैं, उनके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इनके पास चार ही कॉलेजेस हैं, ये कंडक्ट नहीं करवा सकते ऑनलाइन। इनका तर्क सुनिए आप, कैसा तर्क है कि बच्चे ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे, उनके पास फोन नहीं है तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगाई? कहा गया पर्टिकुलर इस मसले को कि फोन नहीं थे, ऑनलाइन सिलेबस कल इंटरव्यू सुनी, कल इंटरव्यू में कहा गया किसी चैनल पे पता नहीं वो सिलेक्टिव प्रश्न पूछे गए, सिलेक्टिव ही जवाब थे, सिलेक्टिव प्रश्न, सिलेक्टिव ही जवाब। मुझे बताया जाए कि समस्या किसकी है, स्टूडेंट की समस्या, स्टूडेंट की है, प्रश्न कहाँ से आए उनके पास? वो प्रश्न है ही नहीं कंसेप्ट में जो पूछे जा रहे हैं। वो मैम आप वो माहौल को शांत करवा रहे थे, बच्चे सुबह से 4 घंटे से भूखे पेट बैठे हैं, उस पर एक प्रश्न ही पूछा। मैम आप माहौल को शांत करवा थे, बच्चे अग्रेसिव थे, ये प्रश्न है जो हमें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं छात्र जिसकी वजह से उग्र हैं और तमाम, चाहे इसमें NSU है या दूसरे संगठन है, एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं।